हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। सो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आई पी वर्जन 4 के क्या क्लासिफिकेशन है और किस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करने वाले और अंडरस्टैंड करने वाले। जैसे कि आपने लास्ट सेशन देखा, लास्ट सेशन में मैंने आपको जैसे कि बताया था TCP IP क्या होता है, TCP के बारे में बताया था, IP के बारे में बताया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया था कि IP एड्रेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है IP वर्जन 4, वर्जन 2 32 बिट फॉर्मेशन एंड 128 बिट फॉर्मेशन। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद आपको बताया कि कंप्यूटर लैपटॉप को किस तरीके से IP एड्रेस असाइन करते हैं। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि राउटर को किस तरीके से असाइन करते हैं। अगर आपको पता करना है कि राउटर को किस तरीके से असाइन करते हैं, तो आप मेरे प्रैक्टिकल वाले लेक्चर देख सकते हैं। मैंने उसमें थोड़ा बहुत डिटेल दिया है, एक लेक्चर है बेसिक IP एड्रेसिंग और राउटर किस तरीके से कॉन्फिगर करते हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। ओके, खैर अभी आज का हमारा टॉपिक है IP एड्रेस की क्लासिफिकेशन, हमको जानना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो रेंज ऑफ द IP एड्रेस, IP वर्जन 4 में जो IP एड्रेस स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट वाला IP एड्रेस होता है 0.0.0, मैं रेंज बता रहा हूँ। ओके, 0.0.0 से लास्ट वाला 255.255.255.255, यहाँ तक के IP एड्रेस होते हैं। अगर आप कोई भी IP एड्रेस देखते हो, तो कोई भी ऑक्टेट में, यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है ये सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट, कोई भी ऑक्टेट में आपको 255 के ऊपर दिखेगा ही नहीं। करेक्ट, मतलब आप कहीं पे भी जाओ वर्ल्ड वाइड, ओके, तो आपको यही सबसे बड़ा वाला IP एड्रेस दिखेगा, इसके ऊपर कभी भी कोई IP एड्रेस नहीं दिखेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना। अभी क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो IP एड्रेस 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओके, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्लासिफिकेशन का यूज़ क्यों होता है और हमें क्यों पढ़ना जरूरी है क्लासिफिकेशन। ओके, काफ़ी सारे लोग ये बेसिक बेसिक चीज़ों का अवॉइड कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो काफ़ी आसान चीज़ है, मैं तो इजीली पढ़ लूँगा, इजीली अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। जब तक मैं ये बताऊँगा, जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप प्रोफेशनल या एक्सपर्ट लेवल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा जो तुम्हारा एसोसिएट लेवल प्रोग्राम होता है, एंट्री लेवल प्रोग्राम होता है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप आगे की चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अवॉइड मत करो, एटलीस्ट ओवरलुक कर लो, समझ लो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि एक बहुत ईजी है, एक टाइम में समझ में आ जाता है। आपको ये वीडियो लेक्चर दो बार या तीन बार देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, सो सबसे पहले IP एड्रेस होते हैं फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ओके, इतने ही क्लासेस है, क्लास एफ वगैरह जो बाकी की चीज़ें वो यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, वो एक्चुअली क्लासेस में नहीं है। IP वर्जन 4 हमेशा क्लास ए टू ई में डिवाइड किया है, जो कि फाइव क्लासेस है। अभी यहाँ पे क्लासेस में अगर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है 0 to 127। ओके, अगर मैं क्लास ए की बात करता हूँ, तो क्लास ए में 0 to 127। अभी यहाँ पे 0 to 127 में रेंज किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे IP एड्रेस स्टार्ट होता है 0 to 255.255.255.255। तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है 0 और लास्ट ऑक्टेट आ रहा है 255, लास्ट ऑक्टेट नहीं, लास्ट IP एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट और ये फर्स्ट वन। ठीक है, इसके दोनों के बीच के मैं एक लाइक मतलब बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग IP एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप काफ़ी बार देख सकते हो कि कहीं पे IP एड्रेस लिखा रहता है 10.1.1.1, लाइक उसके बाद अगर कहीं पे लिखा होगा 172.16.1.100। ओके, और शायद और कहीं पे लिखा होगा 192.168.1.77, एनीथिंग IP एड्रेस, कोई भी IP एड्रेस। तो हम लोग इस पर्टिकुलर IP एड्रेस को देख के कैसे क्या आइडेंटिफाई कर ले कि ये IP एड्रेस कौन से क्लास में फिट होता है, कौन से क्लास में आता है, तो हम लोग उसको इजी वे टू अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी IP एड्रेस का अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेट देखता हूँ, तो उस IP एड्रेस के ऑक्टेट को देख के मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ वो IP एड्रेस कौन से क्लासिफिकेशन में आता है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लास ए की। क्लास ए होता है 0 to 127। बेसिकली कुछ बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है 0 to 126, 127 का मेंशन नहीं किया है, बिकॉज 127 इज़ बेसिकली यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज़, लुक बैक पर्पज़ भी बोलते हैं, तो वो टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए कई बुक्स में उन्होंने मेंशन नहीं किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बट आपको अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह पूछता है, तो उनको बताइए 0 to 127, बट 127 इज़ यूज फॉर द टेस्टिंग एंड द लुक बैक पर्पज़। ओके,
अगर कोई आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट 0 to 127 के बीच में आता है तो आपको वो कंसिडर करना है वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है. ओके, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फर्स्ट ऑक्टेट ही चेक करना है, ना कि लास्ट ऑक्टेट. हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट आपको चेक करना है, ठीक है. काफ़ी लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट ऑक्टेट भी हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा फर्स्ट ऑक्टेट आपको चेक करना है. जैसे कि आप फर्स्ट ऑक्टेट चेक करते हो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है. ओके, सेम एज क्लास बी का जो रेंज है 128 to 191. अगर मेरे पास कोई आईपी एड्रेस है जो लाइक एक आईपी एड्रेस ले लिया है मैंने यहाँ पे 172.16.1.100, तो मैं इसका फर्स्ट ऑक्टेट चेक करता हूँ 172. 172 128 and 2 191 के बीच में आता है. ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है. उसके बाद में करते हैं हम लोग बात क्लास सी. क्लास सी स्टार्ट होता है 192 से 223 तक. अगर कोई आईपी एड्रेस 192 to 223 के बीच में किसी आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट, लाइक यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस लिया 192, ठीक है, तो ये मेरा क्लास सी का आईपी एड्रेस है. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्स्ट ऑक्टेट देख के कि वो कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है. ओके, उसके बाद आते हैं क्लास डी के. अगर क्लास डी की बात करेंगे, क्लास डी इज़ बेसिकली यूज फॉर द मल्टीकास्ट पर्पस. ओके, मल्टीकास्ट क्या होता है कि हर प्रोटोकॉल का एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होता है. जैसे कि अभी हम लोग आगे आगे प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे. सो मल्टीकास्टिंग क्या होता है, मल्टीकास्ट एक टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लाइक कंसेप्ट्स है. जब भी मैं मल्टीकास्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जो कि हेलो पैकेट्स वगैरह सेंड करते हैं, किस तरीके से करते हैं, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का यूज़ वगैरह करते हैं, तो हम लोग वो उस टाइम में पढ़ने वाले हैं. ओके, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, तो हम लोग उसी टाइम पढ़ेंगे. ओके, जो मल्टीकास्ट है उसका आईपी एड्रेस का रेंज स्टार्ट होता है 224 to 239. ये वाला मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस का रेंज है. उसके बाद आता है 242 to 255. ये होता है क्लास सी का क्लासिफिकेशन. क्लास ई में जो क्लासिफिकेशन आता है उसमें आता है 240 to 255. ये बेसिकली यूज होता है, रिजर्व होता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे कि आप देख सकते हैं नासा इसरो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हम लोग उनको हमारे लैन एंड वैन सेगमेंट के आई पी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लीट होने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी. तो उन लोगों को एक स्पेसिफिक रेंज दिया जाता है आई पी एड्रेस का, तो वो होता है क्लास ई का रेंज. सो बेसिकली क्लास ई का रेंज यूज़ किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. ओके, सो अभी यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है. ओके, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये जो थ्री क्लासेस है, फर्स्ट थ्री क्लासेस है, हम लोग इसका यूज़ लैन एंड वैन नेटवर्क में कर सकते हैं. लाइक अगर मुझे कोई लोकल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है तभी भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. ओके, वो इसमें के कुछ आईपी एड्रेस फ्री होती है, कुछ हम लोगों को पे करना पड़ता है. तो एक कंसेप्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, जब वो कंसेप्ट आएगा तो ये चीज़ और अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये यूज़ होता है लैंड एंड वैन नेटवर्क के लिए. उसके बाद आता है क्लास डी. क्लास डी इज़ बेसिकली यूज फॉर द मल्टीकास्ट पर्पस, और क्लास सी इज़ यूज फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस. ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया. ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव करते. As you can see, above IP addresses are divided into 5 classes. Class A, B, C are mainly used for the LAN and WAN network, and class D is used for the multicast, and class E is reserved for research and development. Okay, यहाँ तक तो क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. ओके, हमेशा पता होना चाहिए कि हमें कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है. सबसे पहले होता है यूनिकास्ट. यूनिकास्ट मोस्टली होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन. जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इस लाइक 1-to-1 कम्युनिकेशन, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो होता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन. मतलब एक साइड से कम्युनिकेशन करना. ओके, 1-to-1 कम्युनिकेशन करना. ओके, उसके बाद आता है मल्टीकास्ट. मल्टीकास्ट मीन्स 1-to-many बट नॉट ऑल. लाइक जैसे कि अभी आप कंसिडर कर सकते हैं मेरे पास एक क्लासरूम है, जैसे कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एज अ ट्रेनर हूँ तो मैं क्लासरूम का एग्जाम्पल देता हूँ आपको. जैसे कि मेरे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जो कि मुंबई से हैं, कुछ बैंगलोर से हैं, कुछ पुणे से हैं. तो क्लासरूम में कोई टीचर आ जाता है, पर्टिकुलर टीचर, और वो बोलता है कि कल मुंबई के लोगों को आना नहीं है, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर मैसेज मुंबई के लोगों के लिए था, लेकिन क्लासरूम में पुणे और बेंगलोर के भी लोग बैठे हुए थे,
ठीक है, लेकिन ये मैसेज उनके लिए नहीं था क्योंकि ये मैसेज ओनली कन्वे हो रहा था मुंबई के लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मैनी, मैनी मीन्स यहाँ पे जो इंडिकेशन हुआ है सबको हुआ है, ओके। लेकिन इम्प्लीमेंट किसको करना है, ओनली मुंबई के लोगों को, क्योंकि मुंबई के लोगों को स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जा रहा है, ओके। सो वन टू मैनी बट नॉट ऑल, दैट मीन्स मल्टीकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल, जैसे कि आप रेडियो देख सकते हो, रेडियो इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, तो वन टू ऑल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आएगा क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हम लोग उसके बाद में अगर जंप करते हैं नेटवर्क एंड द होस्ट पोजीशन इन द क्लासेस, ओके। सो एक काम करते हैं, यहाँ तक तो मैं ये सेशन क्लोज कर देता हूँ। इसके नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि नेटवर्क एंड होस्ट पोजीशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स बताऊँगा, ओके। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो कि क्लासेस क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग है, आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग है। मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाए, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए वाले सेशन रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।